हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम आपका श्रीमती मोदी के लिए दबड़े करने बहुत डायरेक्ट इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे जो कैंप आपको है, कैंप ग्रांस को डिस्कस कर रहे थे, कैंप ग्रांस जिसको हम कैंप पाथवे भी बोलते हैं। कैंप पाथवे हम क्या बोलते हैं, पुशिलियन वेशुलियन वेशुलियन एसिड मेटाबोलिज्म क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो क्या बोलते हैं कैंप पाथवे को, क्या बोलते हैं क्रूशियल एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे जिसको हम कैंप प्लांट्स कैंप पाथवे बोलते हैं। ये क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन पाथवे होता है, ये मैंने बताया था। और ये उन प्लांट्स में एडेप्टेशन है जो प्लांट्स ड्राई कंडीशन में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, एराइड कंडीशन में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, या फिर जो हॉट डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जहाँ पे स्टोमेटा सर्कल होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, एडेप्टेशन पाए जाते हैं उन प्लांट्स में, कैंप प्लांट्स में। तो ये पाथवे जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टोमेटा होता है वो दिन के टाइम क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। नाइट के टाइम यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। तो नाइट के टाइम जब स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा और उसको डिफ्यूज करेगा मेसोफिल सेल के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स कराना नहीं है, फूड चाहिए प्लांट को, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे क्या कराना पड़ेगा, फिक्स कराना पड़ेगा। फूड चाहिए प्लांट को तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या कराना पड़ेगा, फिक्स कराना पड़ेगा। तो ये नाइट के टाइम क्या होगा, यहाँ पे स्टोमेटा जो है वो क्या होगा, ओपन होगा। और जो केम है ये जो वॉटर जो एफिशिएंसी है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। जो वाटर स्टोर एफिशिएंसी है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। इन दी जो एफिशिएंसी है वाटर को यूज करने की उसको क्या करता है, ये इंक्रीज करता है जो कैंप पाथवे होता है। तो वाटर यूज एफिशिएंसी को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। और ये कहां पर मिलेगा हमें, एराइड कंडीशन में जो प्लांट्स है उनमें हमें ये देखने को मिलेगा। तो जो कैंप पाथवे है ये कौन सी फैमिली में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, क्रेशुलेशी फैमिली के अंदर, तभी इसका नाम पड़ा क्रेशुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। क्रेशुलेशी फैमिली के अंदर सबसे पहले ये जो पाथवे था ये डिस्कवर हुआ था, क्रेशुलेशी फैमिली जो प्लांट की फैमिली इसके अंदर ये डिस्कवर हुआ था, तभी इसका नाम पड़ा क्रेशुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। अब ये पानी बचाने का क्या है इसका तरीका है, अगर मान लो दिन में ओपन हो जाएगा स्टोमेटा तो पानी वॉटर क्या हो जाएगा, वहां पे लूज हो जाएगा। तो ये कैंप पाथवे एक टाइप का क्या है, वॉटर बचाने का क्या है, एक टाइप का तरीका है। और प्लांट को ये डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा और साथ में ये प्लांट को विल्टिंग से भी क्या करेगा, बचाएगा। अब ये कौन कौन से प्लांट को मिलता है, मैंने आपको बताया था कि क्रेशुला है, कैलेंजुला है, सीडम है, कैक्टी है, यूफोर्बियास है और पाइनएप्पल वनीला, ये सब क्या है, ये कैंप प्लांट्स है। और मैंने क्या बताया था कि जो कैंप प्लांट्स है वहां कौन सी कंडीशन में ये हमें देखने को मिलेगा, ये एक तो इंप्रूव करेगा वाटर यूज एफिशिएंसी को, क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंप्रूव करेगा वाटर यूज एफिशिएंसी को, ये वाटर यूज एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साथ में यहाँ पे क्या होगा, सल्कन स्टोमेटा होगा, जो स्टोमेटा होगा वो अंदर की तरफ क्या रहेगा, वो स्टोमेटा अंदर की तरफ धंसा रहेगा। और साथ में ये कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, सक्युलेंट जीरोफाइट्स में, कहाँ पे मिलेगी, सक्युलेंट जीरोफाइट्स में। और सक्युलेंट जीरोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जो क्या होते हैं, वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं सक्युलेंट जीरोफाइट्स, जो वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे क्यों आ गई कि भाई दिन के टाइम इंस्ट्रोमेटा क्या रहता है, क्लोज रहता है, और नाइट के टाइम इंस्ट्रोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो वो कंडीशन क्यों रहती है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंस्ट्रोमेटा जो है, इंस्ट्रोमेटा क्लोज, इंस्ट्रोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम इंस्ट्रोमेटा बंद क्यों रहते हैं, इंस्ट्रोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंस्ट्रोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे, तो इंस्ट्रोमेटा दिन के टाइम बंद क्यों रहते हैं। अब इंस्ट्रोमेटा जो बंद रहते हैं, जो क्लोज रहते हैं ड्यूरिंग डे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीएसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि डीएसिडिफिकेशन टाइम किसको बोलते हैं, भाई स्टोमेटा अगर दिन के टाइम क्लोज रहेगा, अगर स्टोमेटा दिन के टाइम बंद रहेगा, स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, डी एसिडिफिकेशन। क्या बोलोगे, डी एसिडिफिकेशन कब बोलोगे, जब स्टोमेटा क्लोज रहेगा ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम में जब स्टोमेटा बंद रहेगा उसको हम बोलेंगे डी एसिडिफिकेशन। और उस डी एसिडिफिकेशन की कंडीशन में क्या होगा, CO2 एंटर नहीं करेगा, CO2 एंटर नहीं करेगा, CO2 एंटर नहीं करेगा। जब डीएसिडिफिकेशन की कंडीशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे एंटर नहीं करेगा, CO2
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां पे एंट्री नहीं करेगी। तो डी एसिडिफिकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर एस्ट्रोमेटा दिन के टाइम बंद रहता है, क्लोज रहता है ड्यूरिंग डे, उस कंडीशन को आप बोलोगे डी एसिडिफिकेशन, और उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगा तो हम इसके अंदर कंडीशन देखते हैं, इसके अंदर कंडीशन क्या हो सकती है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो मैलिक एसिड है वैक्यूल्स होता है जो प्लांट का, उस वैक्यूल्स में जो प्लांट के वैक्यूल होते हैं उस वैक्यूल में मैलिक एसिड क्या होता है स्टोर होता है। मैलिक एसिड क्या रहता है स्टूडेंट, स्टोर रहता है। ध्यान से देखना कि स्टोमेटा जब दिन के टाइम क्लोज रहता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं डी एसिडिफिकेशन, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर रहा है। तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर रहा है तो डी एसिडिफिकेशन, और जब स्टोमेटा दिन के टाइम बंद रहता है उस कंडीशन में क्या होता है, तो वैक्यूल जो है वहां पे मैलिक एसिड क्या रहता है वहां पे स्टोर रहता है। मैलिक एसिड जो वैक्यूल में क्या रहता है स्टोर होता है, और इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। ये जो मैलिक एसिड है ये वैक्यूल के अंदर क्या था स्टोर था, वैक्यूल के अंदर स्टोर था, ये मैलिक एसिड अब क्या हो गया रिलीज हो गया। इस कंडीशन में अगर दिन के टाइम स्टोमेटा बंद है, डी एसिडिफिकेशन की कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर रहा है, तो वैक्यूल से मैलिक एसिड क्या हो गया रिलीज हो गया, और मैलिक एसिड रिलीज होके इसने क्या बना दिया यहाँ पे मैलेट का फॉर्मेशन कर दिया। इसका फॉर्मेशन कर दिया स्टूडेंट, मैलेट का फॉर्मेशन कर दिया। वैक्यूल के अंदर मैलिक एसिड स्टोर था, अब वो मैलिक एसिड वैक्यूल से रिलीज हुआ, और रिलीज होके उस मैलिक एसिड ने क्या बना दिया वहां पे मैलेट बना दिया। अब वो जब मैलेट बना दिया तो यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम को हम बोलेंगे मैलिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोलेंगे उसको हम मैलिक एंजाइम, और वो जो मैलिक एंजाइम होगा यहाँ पे जो कोफैक्टर छीलेगा वो कोफैक्टर यहाँ पे होगा NADP+। कौन सा कोफैक्टर होगा NADP+ कोफैक्टर यहाँ पे होगा, और वो मैलिक एंजाइम यहाँ पे क्या बनाएगा पाइरूवेट का फॉर्मेशन करेगा। इस मैलेट से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा पाइरूवेट मिलेगा, और पाइरूवेट जब मैलेट से पाइरूवेट बनेगा तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा मैलिक एंजाइम। मैलेट से जब पाइरूवेट बन रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा मैलिक एंजाइम, और NADP+ कोफैक्टर यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगा। अब पाइरूवेट से यहाँ पे क्या बनेगा, पाइरूवेट से यहाँ पे बनेगा स्टार्च। पाइरूवेट से यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट स्टार्च बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। पाइरूवेट से यहाँ पे क्या बना स्टार्च बना। अब पाइरूवेट से जब स्टार्च बन गया, अब एक चीज और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैलिक एंजाइम से पाइरूवेट बना तो साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो गया, और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी स्टेट में जब रिलीज होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं उसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है स्टूडेंट उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, उस कंडीशन को आप बोलोगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे मैलेट से पाइरूवेट बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होगी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे साथ में रिलीज होगी, उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये जो सारी कंडीशन है ये देखो ये सारी कंडीशन जो है ये सारी कंडीशन कहाँ पे हो रही है, ये सारी कंडीशन हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पे हो रही है, ये सारी प्रोसेस जो है डी एसिडिफिकेशन की जो प्रोसेस है ये मैं बता रहा हूँ कहाँ पे हो रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो भाई यहाँ पे क्या चलेगा फिर C3 साइकिल चलने लग जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन फिक्स करेगा C3 साइकिल, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा फिक्स करेगा, तो यहाँ पे C3 साइकिल जो है वो क्या हो जाएगा रन हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है अगर स्टोमेटा दिन के टाइम बंद रहते हैं तो। स्टोमेटा अगर दिन के टाइम बंद रहते हैं ये कंडीशन हमने देखी है, स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे। अगर स्टोमेटा दिन के टाइम बंद रहते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीएसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन किस कंडीशन को बोलते हैं, स्टोमेटा अगर क्लोज रहेगा ड्यूरिंग डे मींस स्टोमेटा अगर दिन के टाइम बंद रहेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डीएसिडिफिकेशन, और उस डीएसिडिफिकेशन कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगा। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं करेगा तो भी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रहा है उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, वहां पे फिर सीधी साइकिल क्या हो रहा है रन हो रहा है। ये सारा प्रोसेस कहां पे हो रहा है, ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। तो सबसे पहले अगर स्टोमेटा बंद है दिन के टाइम तो वैक्यूल के अंदर जो मैलिक एसिड है वो क्या रहेगा स्टोर रहेगा, और वो मैलिक एसिड जो है वो रिलीज हो जाएगा और वैक्यूल से, और मैलिक एसिड जैसे रिलीज होगा वो बनाएगा मैलेट। सबसे पहले क्या बनाएगा मैलेट,
और मेलेन से क्या बनेगा? पाइरूवेट बनेगा। और जब मेलेन से पाइरूवेट बनेगा तो वहां पे एंजाइम काम करेगा, उसको हम बोलते हैं मेलिक एंजाइम। और पाइरूवेट से फिर क्या बनेगा वहां पे? पाइरूवेट से बनेगा स्टूडेंट स्टार्च। क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। और जब पाइरूवेट बनेगा मेलेन से, तो पाइरूवेट जब मेलेन से बनेगा तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, रिलीज भी होगा, उस सिस्टम को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, सिंथेसिस साइकिल वहां पे क्या होगा? फॉलो होगा। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है जब स्टोमेटा दिन के टाइम बंद रहता है, स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। इस कंडीशन में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर स्टोमेटा क्लोज रहता है ड्यूरिंग डे, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? उस कंडीशन को आप बोलोगे डी एसिडिफिकेशन। उस कंडीशन को क्या बोलोगे? डी एसिडिफिकेशन। आपको पूछा भी जा सकता है व्हाट इज डी एसिडिफिकेशन कंडीशन या व्हाट इज डी एसिडिफिकेशन, तो आप क्या बोलोगे कि स्टोमेटा क्लोज रहेगा ड्यूरिंग डे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डी एसिडिफिकेशन। और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये सीरीज को पूरा क्लियर हुआ है। आगे हम बात करेंगे स्टोमेटा जब नाइट के टाइम ओपन होता है तब क्या कंडीशन होती है। ये तो हमने देखा जब स्टोमेटा क्लोज होता है ड्यूरिंग डे तब क्या कंडीशन है। हम देखेंगे स्टोमेटा जब ओपन होता है नाइट के दौरान तब क्या कंडीशन होती है, इस कंडीशन को भी हम देखेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो ये केम पाथवे का सिनेरियो है कि स्टोमेटा अगर दिन के टाइम बंद होगा तब क्या कंडीशन होगी, स्टोमेटा नाइट के टाइम ओपन होगा तब क्या कंडीशन होगी। आई होप आपको क्लियर है। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।